कृपया ध्यान दें, यह वीडियो थोड़ी लंबी और बोरिंग होने वाली है, तो जो लोग JTET परीक्षा आयोजन कराना चाहते हैं सिर्फ वही लोग इस वीडियो को आगे देखें, बाकी लोग अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के दौरान आप बेहोश होते हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड टेट के बारे में। इससे पहले कुछ चीज़ों को आप थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझिए। जैसा कि आपको पता है, झारखंड राज्य को बिहार से अलग हुए 21 साल हो गए, लेकिन झारखंड के छात्रों के दुर्भाग्य देखिए कि झारखंड में मात्र 2 बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है, जबकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की प्रावधान है। वर्ष 2011 में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसी के बाद दूसरी बार वर्ष 2016 में आयोजन की गई थी। इसके बाद झारखंड में कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। आज 5 साल बीत जाने के बाद भी JTET परीक्षा का आयोजन का कोई अता पता नहीं है। तो इस पर दोषी कौन, सरकार या अधिकारी? तो इस पर मेरा जवाब है, दोनों में से कोई नहीं। आप सभी सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे कि सरकार और अधिकारी दोनों में से कोई दोषी नहीं, फिर दोषी कौन है? तो सबसे पहला दोषी जो मेरा मानना है कि अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा के एस्पिरेंट हैं। संविधान के द्वारा आपके अधिकार हैं और आपके अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपने अपने अधिकार का हनन होने कैसे दिया? आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप एक भावी शिक्षक बनेंगे और अपने अधिकार के लिए आगे नहीं आ सकते, तो आप एक राष्ट्र निर्माता कैसे कहलाएंगे? आप अपने छात्रों को उनका अधिकार कैसे दिलाएंगे? इसलिए सबसे पहला दोषी जो कि परीक्षा के एस्पिरेंट हुए, इसके बाद सरकार या अधिकारी दोषी हुए। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि वसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो अपनी चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। अगर आप वाकई में JTET कराना चाहते हैं तो आप JTET के लिए आवाज़ उठाइए। इस पर आप अभी क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के द्वारा 1 अगस्त को ट्विटर कैंपेनिंग का निर्णय लिया गया है। इस पर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस ट्विटर महाअभियान को सफल बनाएं। साथ ही तब तक नहीं रुकना है जब तक JTET परीक्षा का आयोजन न हो जाए। 1 अगस्त के ट्विटर महाअभियान के लिए आप अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इस मुहिम में शामिल करें और इस मुहिम को सफल बनाने में आप सभी का योगदान बहुत जरूरी है। और 1 अगस्त ट्विटर कैंपेनिंग की जानकारी आप अपने स्तर से अपने संपर्क के सभी साथियों को दें, और साथ ही प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड में आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में हमारी मदद करें, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड लगातार यह प्रयास कर रहा है कि झारखंड में एक नया JTET परीक्षा का आयोजन हो और आप सभी भी आगामी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सके और एक भावी शिक्षक बन सके। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक JTET अभ्यर्थी तक इस वीडियो को पहुँचाने में हमारी मदद करें। जी धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।